हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मृणाल घोष और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस साल इनकम टैक्स ई फाइलिंग के लिए एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है। नया वेबसाइट में इनकम टैक्स ई फाइलिंग का पासवर्ड कैसे रिसेट करते हैं, वही आज हम आपको डिटेल्स में दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपका नोटिफिकेशन में आ जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको गूगल पे जाना पड़ेगा, तो हम गूगल पे चला जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद सर्च बार में चला जाएंगे। सर्च बार में जाके हमको लिखना पड़ेगा इनकम टैक्स, तो हम लिख देंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लिख के सर्च करने से पहला वाला जो लिंक इधर आ जाएगा वही लिंक पे हमको जाना पड़ेगा। तो देखिए इधर सबसे पहले जो लिंक दिख रहा है www.incometax.gov.in, वही लिंक पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। वही लिंक पे क्लिक कर देंगे तो इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट इधर ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये रहा इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट। तो इधर इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया। इधर राइट साइड में मेरे को एक ऑप्शन दिखेगा लॉग इन, वही लॉग इन ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लॉग इन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लॉग इन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो लॉग इन का पेज इधर आ जाएगा। तो देखिए ये रहा लॉग इन का पेज। तो इधर हमको सबसे पहले एंटर योर यूजर आईडी, यानी यूजर आईडी डालना पड़ेगा, यानी अपना जो पैन कार्ड नंबर होता है वही पैन कार्ड का नंबर इधर डालना पड़ेगा, यानी पैन नंबर इधर डाल देंगे। डालने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। तो देखिए इधर हम पैन नंबर डाल दिया। पैन नंबर डालने के बाद नीचे जो कंटिन्यू ऑप्शन दिख रहा है वही कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज इधर आ जाएगा। तो देखिए इधर हमको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा फॉरगॉट पासवर्ड, वही फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन पे हमको जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज इधर आ जाएगा। तो देखिए इधर फॉरगॉट पासवर्ड का पेज इधर आ गया। इधर हमको फिर से यूज़र आईडी यानी पैन नंबर डालना पड़ेगा। तो इधर हम पैन नंबर डाल देंगे। डालने के बाद नीचे जो कंटिन्यू ऑप्शन दिखेगा वही कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम इधर पैन नंबर डाल देंगे। तो देखिए इधर हम पैन नंबर डाल दिया, अभी हम कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज इधर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए इधर हम तीन प्रोसेस से पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। पहला प्रोसेस दिख रहा है आधार के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उधर ओटीपी जाएगा। दूसरा प्रोसेस दिख रहा है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अपलोड करके कर सकते हैं। तीसरा रहता है ई फाइलिंग ओटीपी, यानी ई फाइलिंग में जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी रहेगा उसमें ओटीपी जाके कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम मोबाइल नंबर जो आधार के साथ रजिस्टर है उससे करेंगे। इसके लिए हमको पहला ऑप्शन पे चूज़ करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इधर मेरे को दो ऑप्शन दिख रहा है। एक ऑप्शन दिख रहा है आधार के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसमें ऑलरेडी ओटीपी आ गया, और दूसरा रहता है जेनरेट ओटीपी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा है जेनरेट ओटीपी, वही जेनरेट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे जो कंटिन्यू ऑप्शन दिखेगा वही कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज इधर आ जाएगा। तो देखिए इधर नेक्स्ट पेज में एक ऑप्शन दिखेगा आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स। उसका लेफ्ट साइड में मेरे को एक बॉक्स दिखेगा, वही बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद जनरेट आधार ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जनरेट आधार ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो रजिस्टर मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जनरेट आधार ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए आधार के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा वही मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। तो उधर से हमको इधर ओटीपी डालना पड़ेगा। डालने के बाद नीचे जो वेरीफाई ऑप्शन दिखेगा वही वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर मोबाइल से ओटीपी लेके इधर डाल देंगे। तो देखिए इधर हम ओटीपी डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद नीचे जो वेरीफाई ऑप्शन दिखेगा वही वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज इधर आ जाएगा। ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद हमको इधर न्यू पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। उसके नीचे कंफर्म न्यू पासवर्ड, यानी न्यू पासवर्ड दो बार डालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दो बार न्यू पासवर्ड डाल देंगे। डालने के बाद सबमिट कर देंगे। तो देखिए इधर हम पूरा पासवर्ड डाल दिया। पूरा पासवर्ड डालने के बाद नीचे जो सबमिट ऑप्शन दिख रहा है वही सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। तो देखिए इधर दिख रहा है अपडेटेड सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शन आईडी भी मेरे को दिया है। उसके नीचे मेरे को दिख रहा है योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अभी हम लॉगिन करके देखेंगे। इसके लिए प्रोसीड टू लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो लॉगिन का पेज इधर आ जाएगा। तो देखिए इधर लॉगिन का पेज में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यूज़र आईडी यानी पैन नंबर डालना पड़ेगा। डालने के बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर हम अपना पैन नंबर डाल देंगे। डालने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू कर देंगे तो नेक्स्ट पेज इधर आ जाएगा जिधर हमको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पे मेरे को दिख रहा है एक बॉक्स दिख रहा है प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, वही बॉक्स पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे हमको पासवर्ड डालना पड़ेगा। जो पासवर्ड हम अभी अभी रिसेट किया है वही पासवर्ड हम इधर डाल देंगे। डालने के बाद नीचे जो कंटिन्यू ऑप्शन दिख रहा है वही कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए अभी इधर लॉगिन हो गया।
तो ऐसे ही हम बहुत ही आसान तरीका से इनकम टैक्स का ई फाइलिंग का जो पासवर्ड होता है वो हम रीसेट कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और बहुत सारे शेयर करना, और मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और मेरे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो के साथ। जय हिंद।